फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, President Trump is a total and complete dipshit. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Deep fake, यानी कि इतना गहरा फेक कि चाहे कोई 100 बार भी देख ले, उसको वो वीडियो असली ही लगेगा। कई फिल्मों में एक सीन होता है जिसमें नकली नोट इतनी अच्छी तकनीक से बनाते हुए दिखाते हैं कि असली नकली का फर्क पता नहीं लगता। वो तो चलो फिल्म की बात है, लेकिन असली जिंदगी में हम डीप फेक वीडियो से इतना घेरे हुए हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल अभी होने शुरू ही हुआ है, पर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इंटरनेट पर ऐसे कई डीप फेक वीडियोस की भरमार है जो बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन होते हैं वो नकली, जिनको बनाया जाता है कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की वजह से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये डीप फेक तकनीक बारीकी से किसी इंसान के पुराने वीडियो को एनालाइज करती है और होंठों के एक्सप्रेशन, किसी अक्षर या साउंड के प्रोनाउंसिएशन पर होने वाले छोटे छोटे लिप्स और टंग की मूवमेंट, चेहरे के एक्सप्रेशन, गाल की मूवमेंट, चिन की मूवमेंट, और फिर इनको अच्छे से समझकर एनालाइज कर सकती है। आर्टिफिशियल टेक्निक का इस्तेमाल करके इन सब को रिकॉर्ड करके इस तरीके से एनालाइज और प्रोसेस किया जा सकता है जो कि किसी इंसान के बस की बात नहीं है। इसी तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये कंप्यूटर्स किसी इंसान और उसकी आवाज़ के पुराने वीडियोस, पुराने फुटेज के बलबूते पर एक ऐसी फेक वीडियो बना पाते हैं जिसमें वो ऐसी बातें कहता है जो कि उसने ना कभी कही, ना कभी किसी रिकॉर्डिंग में बोली, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा जब उस फेक वीडियो को बनाया जाता है तो वो बिल्कुल असली प्रतीत होता है। ये होती है डीप फेक टेक्नोलॉजी। इसमें एआई फेक फ्रेम बना के उन्हें ब्लेंड करके और साथ साथ मैनिपुलेटेड तरीके से प्रोसेस करती है कि एक फेक वीडियो में जो कुछ भी बोला जाता है, जो कुछ भी दिखाया जाता है, वो सब नकली होता है। ऐसा कभी कभी घटित नहीं हुआ होता, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल असली मालूम पड़ता है। वैसे तो डीप फेक बनाने वाले बड़ी चालाकी से इसको आर्ट वर्क, फन या एक्सपेरिमेंट के नाम पर बनाते हैं, मगर इससे होने वाले नुकसान बहुत भयावह हो सकते हैं। इमेजिन कीजिए किसी महिला का आपत्तिजनक डीप फेक वीडियो, किसी बड़े सामाजिक व्यक्ति का डीप फेक वीडियो बना के मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना, किसी बड़ी नेता का डीप फेक वीडियो जिससे कि सरकार गिराई या बनाई जा सकती है, या फिर एक बड़े आदमी का वीडियो पूरी कंट्री में अनरेस्ट या दंगा फसाद भी फैला सकता है। हर कंट्री में डीप फेक वीडियो, डीप फेक टेक्नोलॉजी पर अपनी अपनी लोकल लॉज के हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं, फिर भी बनाने वाले इसको धड़ल्ले से बना रहे हैं। लेकिन अब आगे जाके शायद डीप फेक टेक्नोलॉजी पर लगाम लगने वाली टेक्निक भी आ रही है, जिसको लेकर के आने वाला है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। इस टेक्नोलॉजी का नाम है वीडियो ऑथेंटिकेटर टूल। ये टूल एआई से बने हुए वीडियोस को बारीकी से एनालाइज कर सकता है। डीप फेक वीडियोस एक एक फ्रेम को ब्लेंड करके बनाए जाते हैं, लेकिन इस ब्लेंडिंग की वजह से जो बारीक फ्लॉ एक किसी भी वीडियो में आते हैं, वो इंसान की आंख से तो देखना मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है, एक नेक्ड आई इसको नहीं देख सकती है, लेकिन कंप्यूटर ही कंप्यूटर की गलती को पकड़ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट का ये टूल आसानी से इन छोटे छोटे बहुत ही बारीकी फ्लॉज को नोटिस कर सकता है और
ये टूल AI से बने वीडियोस को बारीकी से एनालाइज कर सकता है। जिस तरीके से लोहा लोहे को काटता है, उसी तरीके से कंप्यूटर ही कंप्यूटर की गलती निकालता है, क्योंकि AI के वीडियोस एक एक फ्रेम को मैनिपुलेट करके और फिर ब्लेंड करके, हजारों फ्रेम्स को एक साथ ब्लेंड करके बनाए जाते हैं। इस ब्लेंडिंग की वजह से एक वीडियो से दूसरी फ्रेम में जब वीडियो मूव होती है, जो कि ऑफ कोर्स नेक्ड आई से देखना नामुमकिन है, लेकिन कंप्यूटर इसमें छुपे हुए बारीक फ्लॉज, बारीक गलतियों, उन बाउंड्रीज में जो बारीकी फ्लॉ होते हैं, उनको देख के पकड़ सकता है। ये टूल किसी भी वीडियो इमेज पर एक कॉन्फिडेंस स्कोर, एक परसेंटेज बता देगा कि वीडियो कितना फेक है, इस पर AI डीप फेक का कितना यूज हुआ भी है या नहीं। इस टूल का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन ऑर्गेनाइजर्स एंड न्यूज एंड मीडिया आउटलेट अगर करें, ऐसा प्लान किया जा रहा है, अगर ऐसा हुआ तो ये काफी बड़ा हथियार साबित होगा डीप फेक टेक्नोलॉजी से लड़ने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल में ही इसका अनाउंसमेंट किया है और अभी इसको ऑपरेशनलाइज होने में थोड़ा समय लगेगा। उम्मीद है कि इस तरीके की नई टेक्नोलॉजीज के जरिए हम तेजी से फैलती हुई फेक न्यूज की प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे।